क्या शाहरुख खान की फिल्म डंकी फ्लॉप हो गई? बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की इस साल की तीसरी फिल्म डंकी सिनेमा में रिलीज कर दी गई है। शाहरुख खान के साल 2023 में रिलीज होने वाली फिल्मों में पठान, जवान और डंकी शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक डंकी ने हिंदुस्तान में अपने पहले दिन 30 करोड़ रुपए कमाए, जबकि इस फिल्म का बजट सिर्फ 120 करोड़ बताया जा रहा है। ये इस साल शाहरुख खान की सबसे कम ओपनिंग वाली फिल्म है। शाहरुख खान की फिल्म जवान ने पहले दिन 45 करोड़ रुपए कमाए थे, जबकि पठान ने पहले दिन 57 करोड़ रुपए कमाए थे। फिल्म डंकी को शाहरुख खान की अहलिया गौरी खान ने प्रोड्यूस किया है। इस फिल्म की कास्ट में शाहरुख खान के साथ तापसी पन्नू, विकी कौशल, दिया मिर्जा, बमन ईरानी और धर्मेंद्र ने अहम किरदार अदा किया है। फिल्म डंकी की कहानी 5 ऐसे दोस्तों के गिर्द घूमती है जो पैसे कमाने के गर्ज से भारत से लंदन मुंतकिल होना चाहते हैं। डंकी फिल्म को जज्बाती कहानी और कॉमेडी मनाजर के साथ लोगों के सामने पेश किया गया है। अपनी इस फिल्म के लिए शाहरुख खान ने दुबई में होने वाली प्रमोशन के दौरान कहा था कि डंकी उन तमाम लोगों के बारे में है जो काम की वजह से अपना घर छोड़कर कहीं और घर बना चुके हैं, जैसे कि आप लोगों ने दुबई में बनाया। हम जहां भी हों वो घर बन जाता है। ये फिल्म इस कहानी को बयान करती है। शाहरुख खान की फिल्म को देखने के लिए सिनेमा घरों में हाउसफुल हो गया, टिकट्स के हुसूल के लिए रश लग गया और शायकीन ने डंकी को बेहतरीन फिल्म करार दे दिया।